हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसकेएस पॉलिटेक्निक में। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, एसबीटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। आप लोग यहाँ देखिए, दिनांक है आपका 16/10/2023 और पत्रांक संख्या है आपका 4346। ये कल जो है नोटिस एसबीटी की तरफ से भेजा गया था और ये नोटिस जो है सारे राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक और निजी पॉलिटेक्निक संस्थान को भेज दिया गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस नोटिस में आखिर दिया क्या है, तो आप लोग विषय पढ़ेंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सत्र 2023-24 और सेमेस्टर के डिप्लोमा सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर एली को छोड़कर सेमेस्टर फिफ्थ के छात्र छात्राओं को सेमेस्टर इनरोलमेंट दिनांक 17/10/2023 से 19/10/2023 तक कराने के संबंध में जो भी स्टूडेंट इस बार थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में केवल जो लेटरल एंट्री से आए हैं, अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं, उन स्टूडेंट को छोड़कर, तो उन सारे स्टूडेंट से 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक सेमेस्टर इनरोलमेंट करने को कहा गया है। तो जो भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, तो अपना सेमेस्टर इनरोलमेंट 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक कर लेंगे। देखिए, सेमेस्टर इनरोलमेंट होती क्या है, आप लोग को बता दूं कि आप लोग वर्तमान में कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं। जैसे आपका KYP होती है या अदर कोई आप लोग अपने सेमेस्टर के साथ कर रहे हैं, तो ये सारे निगरानी जो है SBT करना चाहती है कि आप लोग वर्तमान में कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं और कौन कौन से कोर्स कर चुके हैं। सेमेस्टर इनरोलमेंट किस तरह से किया जाता है, इस पर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे। तो आप लोग सेमेस्टर एनरोलमेंट 19 तारीख तक करा लेंगे। आप लोग यदि 19 तारीख तक सेमेस्टर एनरोलमेंट नहीं करते हैं, तो उस केस में आप लोग को 500 रुपया जो है विलम्ब शुल्क लिया जाएगा, तब आप लोग 28 तारीख तक अपना सेमेस्टर एनरोलमेंट कर पाएंगे। तो आप लोग आज से अपना सेमेस्टर एनरोलमेंट कर लेंगे, परसों तक आप लोग का सेमेस्टर एनरोलमेंट होगा। आप लोग का जब सेमेस्टर इनरोलमेंट हो जाती है, तो उसके बाद आपका जो भी HOD जो है वो आप लोग का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगा और इसके बाद SBTE को जो है सबमिट कर देगा। तो आप लोग 19 तारीख तक अपना सेमेस्टर इनरोलमेंट कर लेंगे। तो ये थी SBTE की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी SBTE के रिलेटेड से जो भी आपके मन में डाउट है, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।